बीजेपी के दिग्गज नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने मतदाताओं, अपने क्षेत्रों में अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया जाए। इसी सिलसिले में अभी तालाला क्षेत्र जो कि गिर सोमनाथ ज़िले में पड़ता है, वहां पर एक सभा को संबोधित करके आए हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया और अभी जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ। इसी वक्त व्यवस्थाओं के बीच में थोड़ा सा समय उन्होंने हमें भी दिया है, हम लोग उनके साथ गाड़ी में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त खुद मौजूद हैं मंत्री जी। सर बहुत व्यस्तता है, किस तरीके से सवेरे से शाम तक रहता है सर शेड्यूल? सुबह से शाम तक जब चुनाव है तो व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और रात को 1 बजे तक हमारा काम चालू रहता है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई कार्यकर्ता के यहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई कार्यकर्ता को भी मिलना हो जाए, कई कार्यकर्ता को भी वहाँ हम बुला लेते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा मैं बड़ी सभा भी करते हैं हम, और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी गिर सोमनाथ ज़िले में या तो जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को कैसे मोबिलाइज करना है और उसको कैसे काम करना है, जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, उसके लिए अभी हमने तालाला में कार्यकर्ता जो 4-5-6 बूथ देखते हैं उसको हम शक्ति केंद्र बोलते हैं, शक्ति केंद्र के इंचार्ज के साथ मीटिंग किया है। इस शक्ति केंद्र के इंचार्ज को मैंने बताया कि अभी आपको जब बूथ पर काम करने के लिए जाओ और बूथ में मीटिंग करो, तब युवाओं के साथ मीटिंग करना, जिन्होंने जिसका लाभ सरकार की ओर से जिसको लाभ मिला है, कई गांव के लोग के घर में गैस का सिलेंडर आया है, कई गांव के घर में बिजली आई है, कई गांव के घर ऐसे है जो अपने अपना घर मिला है, ऐसे लोगों की भी मीटिंग करो। और ये लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं, एक नया वोटर्स, नया मतदाता, नया मतदार बीजेपी के खेमे में जुड़े हैं, तैयार हुआ है, उसको भी मिलो। ऐसा करके ये भी क्षेत्र है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कार्यकर्ता क्या करते हैं, ये वोट बैंक, ये वोट हमारा नहीं है, एक गली में हमें वोट नहीं मिलता है तो वहाँ जाते ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इस बार मोदी जी के नाम पर कोई भी ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय को छोड़ के मोदी जी को वोट करने के लिए युवा लोग बाहर निकले हैं, तो ये युवाओं का हौसला बढ़ाओ और वो युवा अपने घर के लोगों का वोटिंग करवा देंगे बीजेपी की ओर। वैसे ही जो जिसको एक गांव में 40-50 लोग ऐसा है, परिवार ऐसा है, हर गांव में 50 परिवार है, ज़्यादा परिवार भी है, उसको केंद्र सरकार की कोई ना कोई योजना से लाभ हुआ है, तो ये जो लाभ हुआ ये लाभार्थी को मिलो, ये लाभार्थी को एक घर में बुला के उसके साथ बातचीत करो, वो अवश्य भाजपा को वोट करेंगे, ऐसा करके हमने उसको मार्गदर्शन दिया है। मनसुख भाई, 5 अहम महकमे आपके पास रहे हैं, लंबे समय से आपने 5 महकमों में काम किया है, तो उन महकमों में अगर हम बात करें, खासतौर पर जो वाटर रिसोर्सेज का है, इनलैंड वाटर्स का है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का है और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट का, उनमें कितने आपको लगता है कि क्या क्या खास काम हुए हैं पिछले 5 साल में मोदी सरकार के द्वारा? काम तो मेरे सभी मंत्रालय में बहुत हुए हैं। अभी हम नेशनल हाईवे से पास हो रहा है, तो ये नेशनल हाईवे का काम भी हमने ही किया है। हमको विरासत में 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था, मिला था। मोदी जी ने तय किया कि 2022 तक हमें 1,00,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाना है। 1,00,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाना है उसमें 40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमने बना दिया, 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे ऑनगोइंग है और हम 2022 तक 1,00,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे, छोटी बात नहीं है। आज दुनिया में हिंदुस्तान गौरव ले सकता है कि पर डे 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने वाला दुनिया का ये हिंदुस्तान इकलौता ऐसा कंट्री है जो पर डे 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं। बड़ी चुनौती के साथ हम काम कर रहे हैं, सक्सेस हो रहा है। वैसे ही मैं फार्मा मिनिस्ट्री देखता हूँ, फार्मा मिनिस्ट्री में देश में 5,000 से ज़्यादा जनऔषधि स्टोर खोल के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत सस्ती क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध करवाई है, जनता में उसकी बहुत बड़ी बात हो रही है। आप सीनियर सिटीजन से जाके मिले, आप परमानेंट डायबिटिक, ऐसा डिसीज है जो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, ये सब लोग आज बात करते हैं कि मोदी जी ने दवाई की दुकान खुलाई है, मोदी जी की दुकान से मेडिसिन लेते हैं, एक बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप पोर्ट सेक्टर में देखो, सागरमाला योजना के माध्यम से
पोर्ट लेड डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़े हैं, सभी पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैकेनाइज्ड पोर्ट हो रहे हैं, उसके माध्यम से पोर्ट में जो टनेज थे और पोर्ट में इम्पोर्ट था वो बहुत बड़ा है, उससे भी देश के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका पोर्ट अदा कर रहा है। वैसा ही इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज में केवल 6 इनलैंड वाटरवेज, 5 इनलैंड वाटरवेज थे, हमने नए 106 इनलैंड वाटरवेज को जोड़े, आज 111 इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो गया। गंगा से हम फर्टिलाइजर इम्पोर्ट करते हैं तो कलकत्ता से डायरेक्ट बाय वाटरवेज हम उसको वाराणसी तक पहुंचा देते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। गंगा को निर्मल भी किया और गंगा में वाटरवेज डेवलप करके हमने बहुत बड़ा काम किया है। नीम कोटेड यूरिया भी बनाई है। मैं फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री देखता हूँ तो 5 साल में देश में कहाँ भी फर्टिलाइजर की कमी नहीं रही। आज किसान बोलते हैं, जब हम कैंपेन में जाते हैं तो किसान कहते हैं कि आपने लोगों ने अच्छा किया, किसान को लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता है यूरिया लेने के लिए, किसान को यूरिया का काला बाजार इसे नहीं लेना पड़ता है, जब किसान चाहते हैं तब उसको यूरिया मिल जाता है। ये केवल हमने और कुछ नहीं किया है, केवल उसमें जो करप्शन होता था किसानों के लिए भेजा हुआ यूरिया, एक बैग किसान फर्टिलाइजर परचेस करते हैं, किसान यूरिया लेते हैं तो सरकार उसमें 750 रुपीज़ एवरेज सब्सिडी देते हैं। ऐसी सब्सिडी ऐसे जो सब्सिडाइज्ड यूरिया थे वो चले जाते थे केमिकल इंडस्ट्रीज में जी। हमने नीम कोटिंग कर दिया तो वहाँ जाना बंद हो गया, तो आज किसान को यूरिया की कमी नहीं है, ये मेरी मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा सर, जो रोड सर्फिस ट्रांसपोर्ट है उसमें एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या रही है, आप लोगों ने उस पर भी काम किया है लेकिन एक्सीडेंट्स कम नहीं हुए हैं। दूसरा, एक बिल भी इससे जुड़ा हुआ पेंडिंग है राज्यसभा में। बात सही है, एक्सीडेंट जब होता है उसकी इफेक्ट होती है, खास करके 68 से 75%, 45 से कम एज वाले लोग एक्सीडेंट में उसका मृत्यु होता है, देश का जीडीपी पर उसकी 3% इफेक्ट होती है। दूसरा, एक्सीडेंट से कई परिवार के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति का डेथ हो जाता है, ऐसी स्थिति में देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होता है और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। उसको कम करने के लिए हमने कई इनिशिएटिव लिया है, ब्लैक स्पॉट जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए 786 ब्लैक स्पॉट थे, उसमें से ज़्यादातर हमने रेक्टिफाई कर दिया और उससे 1 साल से एक्सीडेंट में कमी भी हुई है। दूसरा, कई ऐसे कानून में भी बदल करने की आवश्यकता थी, इसलिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल हम लाए हैं जी। पार्लियामेंट में हमने बहुत कोशिश की लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने हमको सपोर्ट नहीं किया और राज्यसभा से पास नहीं हो पाए। ये बिल जो पास हो जाता तो हम तुरंत ही उसमें फाइन बढ़ा सकते, जो बेदरकारी से व्हीकल चलाने वाले पर पेनल्टी लगा सकते, हम जो हेलमेट का यूज़ ज़्यादा कैसे हो या तो 100% कैसे हो उसके लिए भी हमने प्रावधान किया था, कई प्रावधान हमने उसमें इनिशिएटिव लिए हैं लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगली नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, नेतृत्व वाली सरकार में हम ये बिल को पास कर देंगे। सर, NCR में भी काफ़ी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे, वो इस तरह ईस्टर्न पेरिफेरियल वाला प्रोजेक्ट है वो भी इस बार कंप्लीट किया गया। ईस्टर्न पेरिफेरियल, वेस्टर्न पेरिफेरियल और वहाँ से मेरठ के लिए गाजियाबाद मेरठ के लिए 6 लेन हाईवे, ये सब करके आज हमने 33% दिल्ली का कंजेशन कम कर दिया है और उससे दो फायदा हुआ है, कंजेशन भी कम हुआ, पोल्यूशन भी कम हुआ। इस दृष्टि से दिल्ली को अगले 50 साल में ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, कंजेशन कम हो, उसके लिए जो हमें इनिशिएटिव लिया है, हम त्रुटक नहीं सोचते हैं, हम टोटल में सोचते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की दिशा में हम सोचते हैं, उसका ही नतीजा है। सर, लगातार कोशिश यही चल रही है कि जो बाहर का ट्रैफिक है जो दिल्ली में आता है, चाहे वो हरियाणा से यूपी से, पोल्यूशन को भी कम किया जा सके। दूसरा, गडकरी जी आपके जो महकमे के मंत्री हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे जाने की ज़रूरत है,
एथेनॉल है, उसके लिए भी कई प्रयास किए गए हैं जिनका लाभ आपको दिख रहा है अभी? उसमें दो बात है, हमने कहा है कि देश में 2030 तक हम 50% व्हीकल को इलेक्ट्रिकल पर ले जाएंगे और इथेनॉल पर ले जाएंगे और बायोफ्यूल पर ले जाएंगे। ऐसा करने से दो फायदा होता है, पोल्यूशन कम होता है, देश का हुड़ियामन बच जाता है, हमें पेट्रोल के इंपोर्ट पेट्रोल कम करना पड़ेगा और देश में उससे ये सबसे महत्वपूर्ण दो फायदा से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है और न्यू मोटर व्हीकल एक्ट और पॉलिसी भी हमने तैयार किया है, भविष्य में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिसके आधार पर देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर हम तुरंत ही जा सके। मतलब फ्यूचर जो है सर वो इसी तरह के व्हीकल्स का है, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन की समस्या से NCR खासतौर पर घिरा रहता है, जिसमें कि जो किसान हैं उनके पराली जलाने का जो दिक्कत आती है उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है, उसका भी कुछ समाधान निकाला गया है कि उसके भी फ्यूल बनाया जाए? पोल्यूशन का सॉल्यूशन की दिशा में जो हमने काम किया है उसमें जो आपका आप फार्मर्स है उसका फार्म वेस्ट निकलता है जी। फसल के बाद जो बच जाता है वेस्ट बच जाता है, उसको जलाना ना पड़े, इसलिए उसको इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करें, फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करें, इस दिशा में भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर दी है। कई टेक्नोलॉजी बाहर से है उसको भी हमने मंगाया है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इथेनॉल बना के बायोफ्यूल बना के हम उपयोग करेंगे तो दो फायदा होगा, हमको फ्यूल भी मिलेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और जो फार्म है उसमें से जला जाने से उसमें न्यूट्रिएंट भी जल जाता है, इसलिए फार्म को भी नुकसान होता है, लैंड को भी नुकसान होता है, सोइल को भी नुकसान होता है, सोइल का नुकसान भी बच जाएगा। इस दृष्टि से कॉम्प्रिहेंसिव हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर राजनीतिक बात की जाए सर, चुनाव में आप घूम रहे हैं, पिछली बार 26 सीटें जो है वो बीजेपी ने गुजरात में जीती थी, आप जूनागढ़ के क्षेत्र में हैं, इस इलाके को बड़ा चैलेंजिंग भी इस बार बीजेपी के लिए माना जा रहा है, पिछली बार 26 सीटें जीती थी, आपको उम्मीद है कि इस बार भी 26 सीटें वापस जीत पाएंगे? पिछली बार हमने 26 सीटें जीती थी, इस बार भी हम 26 में से 26 सीट जीतेंगे, क्योंकि तीन बात हमारे फेवर में है। एक, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा असरकारक और निर्णायक नेतृत्व है। दूसरा, गुजरात में मैं ही मेंबरशिप ड्राइव का इंचार्ज था, 1,13,00,000 हमने प्राइमरी मेंबर बनाए थे, ये भी सब लोग काम में लगे हैं। दूसरा, 5 साल तक जो मोदी सरकार ने काम किया ये काम की भी पॉजिटिविटी चल रही है और देश में आज राष्ट्रवाद भी चरम सीमा पर है। देश की जनता चाहती है कि आतंकवाद से कौन लड़ पाएगा, नक्सलवाद से कौन लड़ पाएगा, देश की समस्याओं के सामने कौन लड़ पाएगा, तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी में मिलता है। और गुजरात की जनता तो थोड़ी एडवांस है, सोचती है और इसलिए मैं मानता हूँ कि गुजरात में 26 में से 26 सीट हम जीतेंगे। केंद्र में भी स्पष्ट बहुमति वाली भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार बनेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। पर जिस तरह से UP में गठबंधन हुआ है या एक किसी और स्टेट में गठबंधन हुआ है, तो आपको लगता है कि वो गठबंधन असरकारक नहीं है? जहाँ भी हम अलायंस का धर्म निभाते हैं, शिवसेना हमारी ट्रेडिशनल पार्टनर है, हमारा ट्रेडिशनल अलायंस है। पंजाब में बादल साहब अकाली दल, ये हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है, तो हम ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ रिश्ता भी निभाते हैं और ये रिश्ते से हमें फ़ायदा भी होता है और फ़ायदा हो ना हो, कम ज़्यादा हो, ऐसा होता रहता है, लेकिन ट्रेडिशनल हमारा रिश्ता हम बनाए रखते हैं। जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है वो असरकारक है कि नहीं है आपको, या कांग्रेस ने RJD के साथ किया ही बिहार में, आपको लगता है उनमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है? उसमें ये अलायंस क्यों हुआ, अलायंस इसलिए हुआ है कि मोदी जी को रोकना चाहते हैं और देश की जनता मोदी जी को लाना चाहती है। अलायंस सक्सेस कांग्रेस का इसलिए नहीं होगा या तो ओपोजिशन का इसलिए सक्सेस नहीं होगा, और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, लोगों को प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मोदी जी को बनाना है, चाहे रैली अखिलेश जी की हो, रैली बहन मायावती जी की हो, रैली राहुल गांधी की हो, या तो TDP की हो, या तो तृणमूल पार्टी वाले की हो, उन्होंने कांग्रेस तो हटा दिया है तृणमूल से, रैली किसी की भी हो, नारा किसका लगता है, मोदी मोदी लगता है।
ये बताता है कि देश की जनता ऐसे गठबंधन, जो गठबंधन नेचुरल अलायंस के रूप में नहीं है लेकिन मोदी को हटाने के लिए है, कुछ करने के लिए नहीं है वो, कुछ उसका एजेंडा हम गठबंधन बना के ये करेंगे तो कोई पॉजिटिव करने के लिए नहीं, मोदी को हटाने के लिए ही है, इसलिए जनता उसके पर विश्वास नहीं करेगी। सर, पिछले 5 साल में जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से बालाकोट पे जो उरी और बालाकोट उरी के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोग सजग हुए हैं। 100% राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी ही देनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा वो ही देश के लिए सब कुछ होता है। राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता तो राष्ट्र की क्या हालत होती, और इसलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके साथ जनता उत्साह से जुड़ी है और जनता फिर से देश को सशक्त ही बने रहे और देश में ताकत थी ये फीलिंग हुआ है, ये फीलिंग कराने वाले मोदी जी के साथ देश की जनता जुड़ गई। सर, गुजरात के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो विदेशों में भी रहते हैं, गुजराती पटेल कम्युनिटी या अलग अलग जो, तो वहाँ पर भारतीय लोगों का आप लगातार संपर्क में रहते हैं, मंत्री के तौर पे आपको बाहर जाना भी होता है, किस तरीके से भारत की छवि प्रधानमंत्री के जो बाहर जाने का प्रवास हुआ है उसके बाद बदल गई है, कितना उसमें मजबूती आई है भारत की छवि में? उसमें दो दृष्टि से मजबूती आई है। एक कूटनीतिक दृष्टि से आज दुनिया में भारत की ताकत क्या है वो मोदी जी ने फीलिंग करवाई है और ये फीलिंग से ये देश में हिंदुस्तान के जो नागरिक है उसकी इज्जत बढ़ी है, तो आज उसकी इज्जत बढ़ने से वो उसका स्वाभिमान बढ़ा है। आज दुनिया में कोई भी देश में आप जाओ और कोई भी भारतीय को मिलो तो कहेंगे कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसका गौरव मोदी जी यहाँ देश के प्रधानमंत्री है इस वजह से उसका गौरव ये देश में बढ़ा है, क्योंकि ये देश के नागरिक का नज़रिया, ये देश की सरकार का नज़रिया हिंदुस्तान के प्रति देखने के लिए जो देखना था वो बदल गया है। इस दृष्टि से मोदी जी की का नेतृत्व की दुनिया में बहुत बड़ी एक इफेक्ट हुई है। सर, गुजरात में पिछले जो 2017 के चुनाव हुए, मोदी जी उस वक्त तक देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित थी कि उनको 77 के आसपास सीटें मिली, तो उस लिहाज से उनको अंदाज़ा उनके जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो लगा रहे हैं कि 8-10 सीटों पर वो बढ़त हासिल कर सकते हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? हर चुनाव के अपने अपने मुद्दे होते हैं, गांव के चुनाव होते हैं तो गांव में गटर करना, गांव में सड़क बनाना, गांव में पानी पहुंचाना ये मुद्दा होता है जी। जब असेंबली का चुनाव होता है तब स्टेट का मुद्दा होता है और जब केंद्र का चुनाव होता है तो नेशनल इश्यू होता है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, देश में पावर्टी एलिवेशन होता है, देश में लोगों का ट्रेड कैसे बढ़े या तो देश कैसे इंडस्ट्रियल कंट्री बने या तो देश के ऐसे मुद्दे होते हैं जो नेशन के साथ जुड़ा हुआ हो, और ये देश के प्रधानमंत्री किसको बनाना है और देश किसके हाथ में सौंपना है ये विषय पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए असेंबली चुनाव की इफेक्ट ये पार्लियामेंट चुनाव में नहीं होगी। आपने देखा होगा एक सूत्र चल रहा था राजस्थान चुनाव में, तब फीलिंग होता था कि लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के सामने कुछ कहना था लेकिन पार्लियामेंट के लिए उसको मोदी जी के साथ ही रहना था, इसलिए आपको देखना शायद राजस्थान में भी चुनाव में जो लास्ट बार स्थिति थी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। किसानों के मुद्दे पर ओपोजिशन लगातार हमले करने की कोशिश करती है कि किसानों को वो सब नहीं दिया गया जो उनको दिया जाना चाहिए था, उनकी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। ये विपक्ष कहते हैं, जनता नहीं कहती है, जनता तो ये कहती है कि आप लोगों ने 55 साल तक देश का शासन संभाला था कांग्रेस ने, आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया, तो उसका जवाब उसके पास कुछ है नहीं। हमने ही किया, नॉट ओनली फॉर किसान को इरिगेशन की व्यवस्था होगी तो किसान धरती में
सीड बो के या तो सीड लगा के वो पैदा करेंगे। इरिगेशन ही नहीं था, आज हमने बहुत बड़ी इतनी कई बड़ी सिंचाई योजना थी वो पड़ी थी, हमने उसको शुरू कर दिया। किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपीज हर साल डालना शुरू कर दिया है। पहले केवल 2 हेक्टर से कम लैंड वाले को ही डालना था, इस बार हमने बोल दिया हमारे संकल्प पत्र में कि सभी किसान के अकाउंट में हम पैसा डालेंगे, छोटी बात नहीं है। और दूसरा, जेटली जी ने कहा कि वो बढ़ भी सकता है, वो महत्वपूर्ण बात है। किसानों को आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र नहीं मिलता था, हमने पहुँचाया। किसानों की मिनिमम जो इनकम होती थी, किसान के प्रोडक्शन कॉस्ट का 2 गुना उसको MSP मिलनी चाहिए। आ तो स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने गठित किया था और जजमेंट उसके ज़माने में भी आया था, लेकिन उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, हमने कर दिया। 2022 में जब हिंदुस्तान देश की 75 ईयर्स 75वीं वर्षगांठ मनाता हो, उस अवसर पर हमने डिसाइड किया है कि हम किसान की इनकम 2 गुनी करेंगे और कर देंगे। सर, अल्पेश ठाकुर सरीखेल नेता जो जिनकी वजह से कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत हासिल की थी, वो लोग भी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि जो लीडरशिप है उस पर भरोसा खोया जा रहा है? कांग्रेस की स्थिति ये हुई है, उसकी तो ताकत बची नहीं है गुजरात में और देश में, तो उन्होंने सहारा लिया कि गुजरात का वातावरण, गुजरात की जो हारमोनीज है उसको डिस्टर्ब करो और चुनाव जीतो। और इसलिए उन्होंने गुजरात में कम्युनिटी के बीच में वैमनस्य हो उसके लिए कई लोगों को खड़ा किया, उसमें से एक हार्दिक भी था, और हार्दिक के सहारे उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वो आगे बढ़े, लेकिन वो भी विफल हो गए। उसके बाद हार्दिक स्वयं कांग्रेस में जुड़ गए। हार्दिक की क्षमता और ताकत असेंबली चुनाव में सब लोगों ने देख लिया। देश की जनता और राज्य की जनता डेवलपमेंट के साथ है, वो ग्रुपवाद, जूथवाद और ऐसी तैसी बात करके लोगों को गलत बता के कभी थोड़ी क्षण के लिए या तो थोड़े समय के लिए जनता को गुमराह की जा सकती है, लंबे समय के लिए आप जनता को आँख पर ब्लैंक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आज उसको जिसका भी इस्तेमाल करना हो करे, लेकिन दरेक व्यक्ति अपनी बात पर कितना डटा रहता है ये भी जनता देखती है। जो यहाँ आंदोलन, पाटीदार आंदोलन करने वाले लोग अपने विचार से कैसे भटक गए ये भी गुजरात की जनता ने देखा है। इसलिए हमें कोई किसी की, हम तो जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हम जनता को जवाब देते हैं, कांग्रेस को जवाब देने की हमारे आवश्यकता नहीं है। सर, पटेल समुदाय के बीच में जो आरक्षण को लेकर के एक असंतोष देखा गया था, जिसका जो राजनीतिक जानकार हैं वो मानते थे कि BJP को उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, तो उसको कहीं आप लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की है, वो एड्रेस हो गया है? उसमें आपने देखा होगा वो चुनाव के, असेंबली चुनाव के पहले ये पाटीदार हेजिटेशन वही चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन भी पाटीदारों ने BJP को वोट किया और BJP की सरकार बनी। एक दूसरा, पाटीदार हेजिटेशन का विषय पूरा इसलिए हो गया है कि पाटीदार लोग चाहते थे कि हमारा में भी एक ऐसा क्लास है जो गरीब है, उसके लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए जो सवर्ण लोगों में, जो जिसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे में भी 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसके लिए जो रिजर्वेशन कर दिया, और वो भी इस दृष्टि से किया कि उसमें रिजर्वेशन वाले को कुछ नुकसान ना हो, इतनी ही सीट सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बढ़ा दी। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और पाटीदार सोसाइटी बहुत समझदार सोसाइटी है, और उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझा है, और आज उसकी कोई शिकायत सरकार के सामने नहीं रही है। सर, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाने की कर रही है, राहुल गांधी रफाल का मुद्दा उठा रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है खाली? आपने देखा कि राफाल में कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पर भरोसा नहीं करती है, देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलते हैं उसके पर भरोसा नहीं करती है। उन्होंने पहले कहा कि सरकार जवाब दे, निर्मला जी ने जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने कहा यह नहीं, सदन के नेता जवाब दे, तो राज्यसभा में श्रीमान अरुण जेटली जी ने जवाब दिया तो उसके पर भी भरोसा नहीं किया, प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट के फ्लोर पर जवाब दिया उसके पर भी भरोसा नहीं किया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया और कहा कि उसमें कोई गफला नहीं हुआ, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और वो चले गए कि केक का रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, केक का रिपोर्ट भी आ गया। इसकी ये रीति नीति है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं मानना, केक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन्होंने भी कहा तो देश की जनता ये जानती है और समझती है कि वो चुनावी जुमला बनाना चाहती है, चुनावी स्टंट करना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपने देखा होगा आज के दिन कोई जनता राफेल के बारे में राहुल जो भी बोले उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुद्दा ही नहीं है वो। आज के दिन वो मुद्दा ही नहीं रहा है, चुनाव में तो राफेल मुद्दा बना ही नहीं और बन ही नहीं सकता क्योंकि वो सच नहीं था। सर आप जब बहुत कम उम्र में विधायक हो गए, लंबे अरसे से राजनीति में करीब 2 दशक से ज़्यादा समय हुआ आपको, लंबा अनुभव राजनीति का है, जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स आजकल देश में हो गया है, एक दूसरे पर जिस तरह से नेता आक्षेप लगा रहे हैं या व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, आप किस तरह लगता है सर ये लोकशाही के लिए ठीक है या इसमें सुधार की ज़रूरत है? मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी नीति या पॉलिसी होती है, पॉलिसी के संदर्भ में आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, सरकार के कोई डिसीजन के संदर्भ में आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि कभी किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर किसी को नहीं जाना चाहिए, ये विवेक रख के बिहेव हो तो अच्छा होता। अभी आजम खान ने भी इस तरह के बयानबाजी की, कुछ और नेताओं ने भी की, इलेक्शन कमीशन ने उनको, मायावती जी को भी सेंसर किया, योगी जी को भी किया, तो सर ये इस पर और आपको लगता है कि सेल्फ कंट्रोल भी नेताओं को करने की ज़रूरत है? करना ही चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल्फ कंट्रोल ही करना चाहिए, वो ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आपको उम्मीद है सर कि 26 सीटें दोबारा 2014 की कामयाबी बीजेपी इस बार दोहरा पाएगी और 282 सीटें जो जीती थी वो वापस मिल सकेंगी? मेरा स्पष्ट मत है, जो आज देश के हालत में देखता हो, देश का ट्रेंड कहाँ चल रहा है, हम पॉलिटिकल आदमी हैं तो जनता का ट्रेंड तो हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, उसके आधार पर मैं अवश्य कहूँ कि 282 प्लस से ही हम जीतेंगे, क्लियर मेजोरिटी वाली भाजपा NDA की सरकार बनेगी और नरेंद्र भाई फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया जी, जिनका कहना है अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने हमसे बात की और कहा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से रोड इनके महकमे में रोड डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, वो विकास के बड़े ऐतिहासिक काम हैं और उनका लाभ BJP को इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, करप्शन फ्री जिस तरीके से शासन दिया गया है, उसका लाभ इस चुनाव में जरूर मिलेगा और अगली सरकार मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से BJP की बनेगी।